अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सारे किधर गुम? मैं कोई बोल ही नहीं रहा। वालेकुम सलाम मैम। आज बस इतने ही बच्चे आ रहे हैं? मैम लिंक ग्रुप में भेज देते हैं, शायद उनके पास नहीं है, इस वजह से नहीं आए। ओके अच्छा, चलिए शेयर करते हैं। मैम। मैम मिड से पहले हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं, ओके मैम, आप लोगों ने टोटल देखी टेन होगी। लेक्चर्स है ना? हाँ जी, 10 लेक्चर्स हैं। आज आपका फिफ्थ है। ओके मैम। आप लोगों को डेट शीट मिल गई है? मैम अभी डेट शीट तो नहीं आई, लेकिन मेल ये थी कि 7th से पेपर्स मिड्स होंगे ऑन कैंपस। हाँ जी, हो जाएंगी आपकी क्लासेस खत्म। 6th को बन रही है आपकी लास्ट क्लास, जुलाई 6th को, जुलाई को। और लॉग बुक्स मुझे कब देनी है? मैम ये आप बताएं डेट, ये जो टीचर हाँ, बताते हैं। डेट तो मैं बता दूंगी। मैं इम्पोज नहीं करना चाह रही ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम अभी तक तो हमने ली भी नहीं। क्यों मैम नहीं मिड ली? के बाद सेमेस्टर मिड के कितने बाद? मिड के बाद तो भी काफी टाइम होते हैं, है। एक वीक के बाद हो जाएगी। नहीं, बहुत लेट है। आप लोगों का वाइवा भी होना है। मैम वाइवा तो मैम अभी नहीं होगा, वो तो पहले एंड पहले पे दे होगा ना जब देंगे। पेपर हो। मैम इनसे पहले पहले दे देंगे। आप लोगों के मिड्स कब खत्म होने हैं? कोई आइडिया है? मैम 4 वीक्स तक जाएंगे। ठीक है। मैम शायद 15 तक हो जाए खत्म। अच्छा, चलो ठीक है। देखते हैं फिर आप लोगों की डेट शीट क्या आती है, फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को फाइनल डेट दे दूंगी। तो आप लोग मुझे सबमिट करवा देना। बात से शायद ऑनलाइन खत्म होती ऑन कैंपस हो। क्या चीज़ बच्चे? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। वॉइस मैम कट अगर रही सब थी। इन्होंने ऑन कैंपस कर दिया तो हमारी क्लिनिक का रोटेशन भी ऑन कैंपस करते हैं। हाँ जी, होंगी। मैम कब होंगी? अभी जब सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन सिस्टम जो है आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। लेकिन मैम SCP की तो टोटल 10 क्लासेस नहीं होती तब तक हाँ जी, हमारी हो। क्लास क्लासेस तो 10 ही होती हैं, लेकिन अगर आपका मतलब 2 या 3 विजिट भी अगर हो जाए स्केड्यूल किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे आप जाते हो, तो अच्छा है। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से करना है। यस मैम। मैम फिर वो जो हमारे परफॉर्मर्स वाले होते हैं एंड पे फॉर्म पेशेंट के साथ फिल करने, फिर वही रह जाएगा ना अगर हॉस्पिटल रोटेशंस मिड के बाद होती हैं तो। उससे हाँ पहले तो जी हम लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जी जी कोर्स आपका 6th को इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा।
और मैम प्रेजेंटेशंस उसके फौरन बाद। ओह प्रेजेंटेशंस का तो मुझे मिलते हैं नहीं रहा। अच्छा अगर तो मैंने आपको कोर्स कवर करवा दिया ना, तो फिर आपकी बीच में ही ले लूँगी प्रेजेंटेशन भी। मैम यहाँ पर इस तरह होगा ना कि मिड्स के बाद काफ़ी सिलेबस तो ख़त्म हो जाएगा, तो एक क्लास वीक में SCP की हुआ करेगी। उसके अलावा कोई भी जो फ्री स्लॉट होगा उसमें आप हमारी प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा, क्योंकि मिड से पहले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भैया मिड्स के बीच में। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि आप लोगों को इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगी, तो देखते हैं करते हैं कुछ। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कितने सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के इस सेमेस्टर में SCP मैम चलती एट है ना? पढ़े हैं, सेवन एट 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 है एट मैम। पढ़े हैं मैम। मैम कुछ बच्चों के 8 हैं, कुछ के 7, और मैम कुछ के 9 भी हैं। वाह चलो लेक्चर स्टार्ट करें। अब आज का आपका वैसे थोड़ा सा ही है यस मैम। क्योंकि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये उसके साथ होता है वो आपको ज़्यादा मतलब समझ आ जाएगा। तो खैर अच्छा अभी जो थोड़े से पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, मेरा ख्याल है 20-25 मिनट लगेंगे। उससे पहले जो है जैन इफ्तखार किधर हैं आप? हाँ जी बेटे जी, आप जो है ना सबको एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे चेक करते हैं। मैम ब्लड प्रेशर मशीन से चेक करते हैं। वाह एक्सप्लेन करो बेटा। मैम आजकल तो BP मशीन आ गई, तो और इजी हो गया, तो मैं कैसे आप एक्सप्लेन करूँ? नहीं आप BP मशीन के अलावा जो मैंने वीडियो शेयर की थी आप कह रहे थे ना 2-3 मिनट की होगी आप देख लोगे, तो प्लीज़ ज़रा वो सबको एक्सप्लेन करो। मैम मुझे उसका लिंक ही नहीं मिला। मैंने सबको मेल कर दी हुई थी। मैं देखी, मैं देख के आपको अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। सब वेट करें, 5 मिनट्स हैं आपके पास, जल्दी से वो वीडियो देखो और सबको एक्सप्लेन करो। ओके मैम। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमें मेल आई है कि हमारी जो लैब वगैरह की क्लासेस हैं तो वो ऑन कैंपस होंगी, तो अब आप आज फिर ऑनलाइन क्लास हुई है तो वो उसका क्या सीन होगा? बेटा आपकी लैब तो नहीं है ना? मैम मैम 15 जुलाई मैम के बाद वो आज मेल में उन्होंने लिखा था कि जो हॉस्पिटल रोटेशन है ना वो हॉस्पिटल फिफ्टीन रोटेशन है, तो जुलाई वो से भी अभी स्टार्ट होनी, बात फिफ्टीन करनी। जुलाई से हाँ अभी जी नहीं होनी। तो मुबीन बच्चे ये तो आप ये आपकी लैब थोड़ी है, ये तो प्रैक्टिकल है ना आपका। मैम हॉस्पिटल रोटेशन भी लिखा हुआ था उसमें। हाँ तो हॉस्पिटल रोटेशंस की अभी वो बताया तो है 15 जुलाई है। तो यस मैम वही तो कह रही हूँ, तो फिर क्लासेस भी होंगी, पहले हमारी ऑनलाइन हो जाएंगी और नहीं हॉस्पिटल नहीं रोटेशन क्लासेस तो थोड़ा सा आपकी होगी। तब तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, भाई हॉस्पिटल रोटेशंस होंगी अगर तो आपकी, मैं कंफर्म कर लूँगी ये नेक्स्ट वीक में कि आपकी रोटेशन जिन्हें हमने प्लान कर रहे हैं अगर, तो फिर आपकी लॉग बुक बाद में ही सबमिट होगी, जाहिर सी बात है। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। अच्छा लास्ट क्लास में बच्चों मेरे से ना एक पॉइंट और मिस हो गया था, वो मैंने बाद में देखा था, वो मैंने नोट डाउन किया हुआ था लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी। फिजिक वाले में जो था हम हाइट और वेट जैसे उतनी देर हम ये डिस्कस कर लेते हैं जब तक जो है वो हमें जैन जो है वो वीडियो देखकर एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? अच्छा इसमें जो है अगर किसी कोई मतलब जैसे बेड रिडन पेशेंट है या उसको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप पेशेंट की हाइट कैसे उसकी लेते हो, एस्टिमेटेड जो हाइट होती है वो आप कैसे लेते हो, किसी को कोई आइडिया है? मैम हाँ जी बच्चे
उनके बच्चों की एज पूछकर? नहीं बेटा, मैं हाइट पूछ रही हूँ। अच्छा हाइट पूछनी है। अच्छा मुझे लगा उनकी एज, एज मुझे नहीं नहीं हाइट, हाइट बताओ। नहीं हाइट का मैम नहीं पता। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज, डिस्टॉर्शन आ रही थी नेट की। लेक्चर 3-4 में लिंक है इसका, वो मुझे लिंक नहीं मिल रहा इसका। हाँ जी, लेक्चर 3-4 में जो मैंने स्लाइड्स शेयर की थी उसी के अंदर वो वीडियो थी। चलिए ठीक है, मैं देख के आता हूँ। जी मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि अगर कोई मतलब जैसे कह लो कि नॉर्मल है, कोई हाइट वेट का बंदा है लेकिन वो बेड रिडन है, तो आप उसकी हाइट कैसे एस्टीमेट करते हो? मैम हाइट स्केल लगा होगा ना, तो उस पे मेजर करके। बेटे बेड रिडन पेशेंट की कैसे आप हाइट स्केल पे कर सकते हो, और हाइट स्केल हर जगह थोड़ी अवेलेबल होता है। मैम जिस तरह मैम ग्रोइंग एज बच्चों की चेक की जाती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लेके एक एस्टीमेट लिया जाता है, वैसे ही बेड रिडन का ले सकते हैं। जिस तरह जो ग्रोइंग पीरियड में होता है उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम बढ़ती है, तो हम उसके डिफरेंट पार्ट्स की हाइट देखते हैं कि हाफ इंच या इस तरह से बढ़ती है, तो फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चों के अलावा अगर किसी एडल्ट की आपने करनी हो तो कैसे करोगे? मैम बच्चों के लिए तो स्केल भी होता है ना, जिसके अंदर बच्चों को लेटा के चेक की जाती है उनके हेड के थ्रू। मैम यही उनकी हेड एक जगह पे प्लेस किया जाता है, उनकी फीट से उनकी मेजरमेंट ली जाती है। आयशा बच्चे, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई एडल्ट है और वो बेड रिडन है तो आप उसकी कैसे मेजरमेंट करोगे? इंचेस टेप से करेंगे। अच्छा, और एडल्ट के लिए डिफरेंट पार्ट्स की मेजरमेंट लेके उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम सिका मेजरमेंट जो है सबसे जो कॉमन है वो डेमी स्पैन मेथड होता है। दोनों आर्म्स को अगर जैसे स्ट्रेच किया जाता है, उसकी जो पूरा वो जो टोटल मिडल फिंगर की एक हाथ की मिडल फिंगर की टिप से दूसरे हाथ की मिडल फिंगर की टिप तक जो है वो उसको मेजरमेंट किया जाता है, ये एस्टिमेटेड होती है इसकी हाइट। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो एक और मेथड है वो ये है कि नॉर्मल अगर कोई मतलब पेशेंट है और वो बैठ सकता है, तो लाइक अगर वो फ्लैट बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि जितना उसका ट्रंक और हेड का जो होती है ना लेंथ होती है, उसी को अगर आप डबल कर लो तो वो भी उसकी एस्टिमेटेड हाइट होती है। ठीक है, ये दो कॉमन मेथड्स हैं हाइट एस्टिमेशन के। लेकिन इसमें उसके बाद जो है मॉर्फन सिंड्रोम एंड हाइपोगोनेडिज्म जो है उसमें आर्म स्पैन जो है वो जो बॉडी जो फिजीक है वो एक्स्ट्रा थिन होती है, मतलब एक्सट्रीमली थिन होता है पर्सन और टॉल भी होता है, तो उसका जो है वो ऑलमोस्ट डबल साइज होता है उसका, बाजुओं का और टांगों का भी। ठीक हो गया। और एक और जो है ड्वार्फिज्म की एक टाइप है जिसमें जो है वो लिम्स बहुत शॉर्ट होती हैं, तो उसमें भी जो है हम ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा एक और है एकेंड्रोप्लेजिया। ठीक है, इसमें जो है इस पर भी जो है वो ट्रंक का साइज नॉर्मल होता है लेकिन आर्म्स और लेग्स जो है वो शॉर्ट होती हैं, लेकिन ये जो मैं आपको ड्वार्फिज्म की टाइप बता रही हूँ इसमें ट्रंक का भी साइज जो है वो शॉर्ट होता है और बाजुओं और टांगों का भी, लिम्स भी जो है वो शॉर्टर होती हैं। ठीक है, ये था इसका हाइट का जो पॉइंट उस दिन हमसे मिस हो गया था मुझसे एक्चुअली। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैम हाँ जी, ये जो आपने बताया है मतलब आप ये कह रही हैं कि मतलब हम हाथों से और जो टांगे हैं उनसे एस्टिमेट लगा के मेजर मतलब करके उनकी हाइट निकाल सकते हैं। हाँ जी, और उसमें मैंने आपका जो है वो ये नहीं बताया कि टांग की मेजरमेंट करनी है, मतलब अगर सपोज जब दोनों बाजू जो हैं वो 90 डिग्री एंगल पे जब स्ट्रेच किए जाते हैं तो उसके मतलब कह लो कि राइट हैंड की जो मिडल फिंगर की टिप है वहां से लेकर लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर की टिप तक जो है वो मेजरमेंट की जाती है, तो एस्टिमेटेड हाइट होती है, इसको डेमी स्पैन मेथड बोलते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग में ये जो है वो मोस्ट कॉमन टेक्निक है
हाइट मेजरमेंट की। जैन 5 मिनट्स हो गए हैं। जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वो वीडियो ना ओपन नहीं हो रही, वो स्लाइड में से ना। मेल करो मुझे, मैं आपको लिंक भेजूं। जी मैम मैं करता हूँ। मैम जब हमारी हॉस्पिटल रोटेशन स्टार्ट होगी तो आप ही हमारे साथ जाएंगी? हाँ जी। नूर आपने मुझे लिस्ट मेल नहीं की। मैम वो ना एक लड़का रहता है, वो एक नहीं हो रहा, तो वो या तो मैं मेंबर को कहके उनको मैं। सॉरी बच्चे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे, प्लीज़ दोबारा बताना।
मैम मैं कह रही हूँ कि वो एक लड़का रहता है, अच्छा वो या तो मैं ऐसे करती हूँ कि उनको किसी ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, वो एडजस्ट नहीं हो रहे। मैम वो कह रही है कि एक लड़का रहता है तो या तो मैं उसे खुद अपनी तरफ से किसी ग्रुप में ऐड कर देती हूँ या तो फिर आप बता दें। नहीं कर दो ऐड उसको। चलें ठीक है मैं करती हूँ आपको अपनी। हाँ जी जैन देख लिया आपने वीडियो? जैन फरार हो गया यहाँ से? जी मैम वो ग्रुप में ही नहीं, वो क्लास में नहीं है। चलें ठीक है फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये आपका अभी 15-20 मिनट में आप लोग फ्री हो जाओगे अभी। अच्छा आज हमने जो है पढ़ना है कि जब आप रूटीन में क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हो तो आपने किस तरह से इंडिकेट करना होता है अपने उस असेसमेंट फॉर्म पे, आप किस तरह से वो चीज़ें जो है क्वेश्चनिंग करके उसको मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले पेन के लिए आप जो है पूछोगे साइट ऑफ पेन पूछोगे, मतलब अगर कि किस पॉइंट पर जो है वो उसको पेशेंट को पेन हो रहा है तो जो है वो आपको हाथ की मूवमेंट से या पॉइंट आउट करके जो है वो उसको इंडिकेट करेगा। हाँ जी उसामा? सॉरी मैम बाय मिस्टेक। ओके साइट ऑफ पेन जो है वो आप लोकेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी जो है वो आप उसको कर सकते हो कि माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, स्वेयर हो सकती है। अब ये इस तरह की माइल्ड मॉडरेट और स्वेयर के लिए आप पूछोगे कि कभी कभी जो अगर आप सो रहे होते हो तो नींद में आँख खुल जाती है या बार बार जो है वो जागते हो आप उस पेन की वजह से, या ये है कि अगर तो स्वेयर होगी तो ऑब्वियसली जो है वो इंसान सो ही नहीं पाता जब स्वेयर पेन होती है, ठीक है। इस हिसाब से आप उसको रेट करोगे। फिर उसके बाद आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन में ये है कि पेन जो है होती एक जो कह लो कि उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वो एक होता है, लेकिन जो है आपको किसी दूसरे बॉडी पार्ट में भी जो है या उस एरिया से थोड़ा दूर जो है वो आपको पेन फील हो रही होती है, जैसे कि कोलेसिस्टाइटिस में होता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शिफ्ट ऑफ पेन। अच्छा ये रेडिएशन में जो है जैसे हार्ट अटैक जब होता है तो उसमें जो है वो जॉ में और जो है वो लेफ्ट आर्म में पेन फील होता है, तो इसको भी रेडिएशन में ही कैटेगराइज करेंगे। शिफ्ट ऑफ पेन में जो है वो आ जाता है कि अगर रेडिएशन और शिफ्ट ऑफ पेन जो है ये ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ ही है। इसमें यह है कि अगर एक जगह पे पेन हो रही है तो उसके साथ साथ आपको किसी दूसरे या पास के एरिया में भी पेन फील होगी, जैसे कि अपेंडिसाइटिस में होता है कि आपको जो है वो नेवल के गिर्द या जो है पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसमें भी आपको पेन फील होता है। उसके बाद आ जाता है जी रेफर्ड पेन। अब रेफर्ड पेन में ये है कि ये इसमें जो है वो कॉमन नर्व सप्लाई जो है वो मेन रोल प्ले करती है। अगर जैसे कोलेसिस्टाइटिस की पेन जो है वो आपको राइट शोल्डर में भी फील होती है,
क्योंकि उसकी जो उसको कनेक्ट कर रही होती है सेम जो है वो नर्व सप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में आप उससे पेशेंट से पूछोगे कि जैसे कुछ चीज़ों का तो आपको अगर आइडिया हो तो एंजाइना की पेन जो है वो 30 मिनट्स होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर होगी तो उसमें जो है वो मोर देन 30 मिनट्स होगी, तो इस तरह से जो है वो आप डायग्नोज कर सकते हो अगर आपको ड्यूरेशन का पता है तो। उसके बाद करेक्टर आ जाता है। इसमें जो है वो 10 टर्म्स इन्होंने दी हुई हैं जो पेन को जो है वो डिस्क्राइब करती हैं, तो इसमें से कोई भी जो है वो पेशेंट आपको बता सकता है कि इनमें से कौन सी जो है वो पेन किस तरह से उसको फील हो रही है, उस पेन का कैरेक्टर क्या है। हैवीनेस हो रही है, बर्निंग, एकिंग, स्टैबिंग और कटिंग, थ्रॉबिंग, जॉल्ट लाइक, डल, ग्रिपिंग, प्रिकिंग एंड कॉलिकी, ठीक हो गया। इसमें जो है अब ये डिपेंड करता है कि आप पेशेंट से जो है वो किस तरह से उसको मतलब खुद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हो कि आपको पेन किस तरह की फील हो रही है। अगर तो जैसे बर्निंग है, आप उसको ये कहोगे कि मतलब जैसे चेस्ट में पेन फील हो रहा है या ऐसे जलन फील हो रही है, तो ये भी एक पेन की फॉर्म है, तो आप उसको उसी हिसाब से मेंशन करोगे, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पेन। अब इसमें जो है ये हो जाता है कि आपको कितनी देर से है, कितनी देर तक रही है, और इंटरवल्स में हो रही है या कंटिन्यूस हो रही है या कम ज़्यादा होकर हो रही है। इसमें जो है वो मोस्टली ड्यूडिनल अल्सर जो है, इसमें ये वाली जो टाइप होती है ड्यूडिनल अल्सर में फील होती है, या जैसे स्टमक में अगर एसिडिटी हो ज़्यादा तो उसमें भी, अगर स्टमक में भी अगर जैसे एसिडिटी ज़्यादा हो या अल्सर का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि जिस हिसाब से आप खाना खाते हो तो उस हिसाब से उसकी उससे रिलेट की जा सकती है कि कभी जो है वो पेन ज़्यादा शुरू हो जाती है और कभी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद आ जाता है स्पेशल टाइम्स ऑफ अक्रेंस। अच्छा, अब स्पेशल टाइम्स ऑफ अक्रेंस में जो है वो एक बहुत कॉमन टाइप है पेन की, कोई बताएगा? मैम, स्टैबिंग पेन? नहीं बेटा, पेन का कैरेक्टर नहीं मैं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन सी ऐसी टाइप है जो टाइम्स के अकॉर्डिंग होती है। नाइट, जैसे माइग्रेन है वो यूजुअली जो है वो पीरियड्स के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में जो है वो फील हो सकती है, या उसके ड्यूरेशन में भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जो है साइनसाइटिस की जो पेन है वो सोकर उठने के कुछ घंटे तक जो है वो मैक्सिमम होती है, स्वेर पेन हो सकती है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। अच्छा, अब एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में कोई मुझे एग्जाम्पल दे। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम, एक्सरसाइज करने पे या कोई हैवी एक्सर्शन करने पे? हाँ जी, अगर किसी को जॉइंट पेन का ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एग्रीवेटिंग फैक्टर जो है वो वॉक, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में आ जाएंगी। इसी तरह से अगर किसी को एसिडिटी का इशू है या कोई पेप्टिक अल्सर है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वो जब स्पाइसी खाना खाएगा या कैफीन का इंटेक ज़्यादा होगा तो वो उस चीज़ को एग्रीवेट कर सकती है। नेक्स्ट मैम, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस भी आ जाते हैं इसमें। हाँ जी हाँ जी, आर्थराइटिस में जॉइंट पेन का ही प्रॉब्लम होता है ना, तो आर्थराइटिस के पेशेंट को हम कभी भी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो करने का नहीं कहते उस तरह की कि जिससे उसके जॉइंट्स की पेन का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो। स्पाइन के इश्यूज में भी आ जाता है ये वाली कंडीशन। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। उसके बाद है जी रिलीविंग फैक्टर्स। अब रिलीविंग फैक्टर्स जो है उसमें आप किस चीज की जो है वो एग्जांपल दोगे कि कौन से हमारे रिलीविंग फैक्टर्स हो सकते हैं?
मतलब मतलब कि अगर पहले रिलीविंग फैक्टर तो रेस्ट है। हाँ जी बिल्कुल, रिलीविंग फैक्टर आदिल रिलीविंग फैक्टर वो होते हैं कि समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक, हाँ जी रेस्ट है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी मेडिसिन आ जाती है। ठीक है, ये जो है आपके रिलीविंग फैक्टर्स में आता है। अगर तो मतलब जैसे जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का इशू, तो उसमें जो है ऑब्वियसली आपकी रेस्ट ही जो है वो रिलीविंग फैक्टर हो सकता है उसमें। अगर ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको रेस्ट नहीं करना, अगर जॉइंट्स का प्रॉब्लम है तो उसमें रेस्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाता है एसोसिएटेड फिनोमिना। एसोसिएटेड फिनोमिना ये है, जैसे अब जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी आप एसोसिएटेड फिनोमिना कह सकते हो। इस तरह से कि जैसे अगर किसी बॉडी पार्ट में आपको कोई स्वेयर पेन हो रही है जॉइंट्स के अलावा, मतलब जैसे अगर किसी को किडनी पेन है या स्टमक पेन है तो आपने या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसका, उसको एकदम से जो है वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वॉमिटिंग जो है वो एसोसिएटेड फिनोमिना है। उसके बाद आ जाता है फीवर। फीवर में जो है हमारे पास इसका पैटर्न है और किस तरह का फीवर होता है, ग्रेड ऑफ फीवर, ये सारी चीजें जो हम देखेंगे। मैम मतलब इस तरह से कि जैसे टाइफाइड में जो है वो फीवर जो होता है नॉर्मल नहीं होता। हाँ जी, इसी तरह से डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट तरह के फीवर जो। जी जाहिद, जाहिद हुसैन आपने हैंड रेज किया था। जी मैम। हाँ जी बच्चे। जी मैम वो आई थिंक टॉपिक से हट गया बात, और जो प्रेजेंटेशन थी आई थिंक उसमें वो जो आई थिंक GRSER जो उन्होंने कहा था कि आपका नाम जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप काइंडली उसमें कर दीजिए। हाँ मैंने उनको बता दिया है, वो आपको किसी भी ग्रुप में जो है वो एडजस्ट कर देंगे या आप फिर। अच्छा आप अकेले रहते हो जाहिद? जी मैम वो पर्सनली मुझे कह रही है कि मैम को बोलो आप, तो मैंने इस वजह से मैंने आप। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि आपने जो डिजीज सिलेक्ट करनी है ना वो आप मुझे बता दो और मेरे से कर लेना क्वेश्चनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हम कहाँ पर थे? फीवर। फीवर में जो है मोड ऑफ ऑनसेट जो है वो उसका एक्यूट और क्रॉनिक जो है वो दोनों हो सकता है। एक्यूट होता है जैसे लाइक एकदम से जो चीज़ जो है वो सेवेरिटी पे जाती है उसको एक्यूट कहते हैं, लेकिन जो ग्रेजुअली किसी जो है सबसे सीवियर कंडीशन पे पहुंचे उसको क्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मलेरिया या निमोनिया वगैरह जो होता है वो एक्यूट ऑनसेट होता है, और जो ट्यूबरक्यूलोसिस होती है उसमें जो है वो क्रॉनिक फीवर हो सकता है। रिगर्स और चिल्स में सॉरी हेपेटाइटिस सी। हाँ जी, इन्फेक्शन या जिस तरह इन्फ्लेमेशन या जो भी इससे रिलेटेड होगा वो, अगर तो जैसे निमोनिया और मलेरिया है उसमें तो कह लो कि एकदम से जो है वो फीवर ज़्यादा होता है फिर उसके बाद कम होता है ना, तो वो हो आ जाएगा आपका एक्यूट में। ठीक है, अच्छा रिगर्स और चिल्स में आ जाता है सडन राइज जो है वो बॉडी टेम्परेचर में होता है। अभी जैसे मैंने एक्यूट और क्रॉनिक के डिफरेंस में बताया था, तो इसमें भी इन्होंने मलेरिया की ही ऑप्शन दी हुई है। उसके अलावा जो है वो निमोनिया के केस में भी जो है वो रिगर्स और चिल्स के उस पैटर्न के साथ जो है वो फीवर हो सकता है। यूटीआई में भी जो है वो ऐसे ही होता है, क्योंकि यूटीआई ऑब्वियसली एक वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी जो है आपको चिल्स होंगे और जो है वो एकदम से जो है कभी टेम्परेचर हो जाएगा, चिल्स एज इन सर्दी लगकर बुखार होना। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ग्रेड ऑफ फीवर। अब ग्रेड ऑफ फीवर में जो है वो हाई और लो होता है। हाई ग्रेड फीवर जो है वो कंसीडर किया जाता है जो 107 तक चला जाए। ठीक है
नहीं सॉरी, हाँ 102 से अबव जो भी होगा वो आपका हाई ग्रेड फीवर कंसिडर होगा। अगर 107 जो है उससे ऊपर जाता है तो वो हाइपर पाइरेक्सिया कंसिडर किया जाता है। ठीक है मैम, 102 लो है? नहीं 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 102 जो है वो हाई ग्रेड फीवर है। हाई ग्रेड है, ठीक है। हाँ जी, और वन और 101 से जो 101 से लेकर जो उससे नीचे होगा लाइक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो तो 99 फारेनहाइट में, मुझे नहीं कंफर्म, सेल्सियस में जो है वो 37 या 38 37 जो होता 98 कंसीडर होता है 97 98। हाँ जी, तो 101 से 98 की जो रेंज में होगा वो लो ग्रेड फीवर कंसीडर होगा। ठीक हो गया। अगर 107 फ़ारेनहाइट से जो ज़्यादा जाता है उसको हाइपर पायरेक्सिया, और अगर 95 फ़ारेनहाइट से कम होता है तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ये सिंपल वो उसके डेफिनेशन हैं, इसको जो है वो उसके डिग्री के हिसाब से आप लोग इसको माइंड में रखिएगा। उसके बाद है जी पैटर्न ऑफ फीवर। पैटर्न ऑफ फीवर में आ जाता है हमारे पास कॉन्टीन्यूस रेमिटेंट और इंटरमिटेंट फीवर आ जाता है। इसमें जो है कॉन्टीन्यूस फीवर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसी की रेंज में वेरी करता है। जो रेमिटेंट होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस में वेरी करता है, और जो इंटरमिटेंट फीवर है उसकी फर्दर हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें कोटिडियन फीवर और टर्शियन और क्वार्टन फीवर है। ठीक है, इसकी ये जो अब 3 टाइप्स हैं इंटरमिटेंट फीवर की, इसमें जो है कभी, अब इसके नेम से ही जो है वो हमें पता चल रहा है कि इंटरमिटेंट कभी एकदम से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और कभी कम हो जाएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट इसकी फर्दर टाइप्स हैं उनको जो है किस तरह से इन्होंने किया है कि उसके ड्यूरेशन की बेस पे। ठीक है, इंटरमिटेंट वैसे तो हमें समझ आ रही है कि कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन अब जैसे उस दिन हमने उसका किया था पल्स का रिदम हम देख रहे थे ना, इसी तरह से इसकी जो रेगुलरिटी है उसकी बेस पर जो है ये 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है कोटाइडियन फीवर जो है हमारे पास, बाउट ऑफ फीवर अकर्स डेली फॉर फ्यू आवर्स, मतलब दिन के कुछ घंटे जो है वो बुखार रहेगा और फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। टर्शियन फीवर में है कि ऑल्टरनेट डेज पर होगा, और क्वार्टन फीवर में आता है कि 2 दिन जो है वो बुखार रहेगा, फिर 2 दिन नहीं होगा, फिर 2 दिन रहेगा, फिर 2 दिन होगा नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, रिलैप्सिंग फीवर में आ जाता है कि इसमें, अच्छा अब रिलैप्सिंग फीवर में जो है वो एक सेट साइकिल नहीं होता, जैसे क्वार्टन फीवर में जो है 2 दिन का इन्होंने इंटरवल एक वो फिक्स किया हुआ है ना, तो रिलैप्सिंग फीवर में ऐसे नहीं होता। वो ये भी हो सकता है कि 2 दिन बुखार नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, उसके बाद फिर 1 दिन के लिए हो गया, फिर 2-3 दिन नहीं हुआ, या 4 दिन 5 दिन नहीं हुआ, फिर बुखार हो गया। ठीक है, इस और ये जो है वो हॉजकिंस डिजीज़ में होता है मोस्टली, जो रिलैप्सिंग फीवर होता है। हॉजकिंस डिजीज़ जो है वो एक ब्लड कैंसर की टाइप है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। मैम जी, हम ये लास्ट वाले दोबारा बता दें, 2 दिन रिलैप्सिंग फीवर आप कह रहे हो, दोबारा बता दूं? रिलैप्सिंग फीवर जो है, जैसे मैंने आपको जो है वो पल्स से रिलेट करके बताया था कि पल्स की 3 टाइप्स होती है ना, इसी तरह जो है वो इंटरमिटेंट फीवर की भी 3 टाइप्स हैं जो एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन रिलैप्सिंग फीवर जो होता है वो ऑन एंड ऑफ होता है, और इसका कोई भी सेट ड्यूरेशन नहीं होता। 3 दिन अगर बुखार हुआ है तो अगले 5 दिन नहीं होगा, फिर 1 दिन बुखार हो जाएगा, अगले 3 दिन बुखार नहीं होगा, तो इसको जो है हम रिलैप्सिंग फीवर को लेंगे। ठीक है मैम, जो बुखार दिन में नहीं होता रात को हो जाता है वो कौन सा बुखार? जो दिन में नहीं होता और रात में हो जाता है, ये जो है वो मैम नजर लगती है तब होता है। नहीं, ये जो रिगर्स और चिल्स वाला फीवर होता है ना, ये मोस्टली जो है वो इससे होता है कि अक्सर जो है वो रात में फील होता है कि फीवर ज्यादा हो रहा है और फिर दिन में जो है वो कम हो जाता है। लेकिन जो है ये दिन और रात से, जी जी मैम, ये मुझे टाइफाइड वाला केस लग रहा है। नहीं नहीं, टाइफाइड में भी बल्कि ऐसे नहीं होता, टाइफाइड में कंटीन्यूअस फीवर होता है। लेकिन वैसे मुझे भी डिफरेंट टाइप का ही टाइफाइड हुआ था, मेरा भी
ऐसा ही था, मैं वही इसको पढ़ते हुए देख रही थी कि मैम मुझे भी टाइफाइड हुआ था, तो मेरे साथ जो जैन ने भी बोला है ना कि सुबह के टाइम नहीं होता था, शाम के टाइम, और एक हाँ मतलब मखसूस, एक मखसूस टाइम था कि मतलब हाँ जैसे हाँ ही 5 बजते थे तो जी मुझे जी बुखार हो जाता था, तो जी इस तरह था। हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन वही मैं इसमें देख रही थी कि इसमें कॉन्टिन्यूस फीवर में जो है इन्होंने टाइफाइड की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन खैर हम तो इसको जो है वो कह लो कि गलत है ये मैम। डिफाई कर रहे हैं। जैन क्या कह रहे हो आप? मैम कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, टाइफाइड में ऐसे ही होता था जैसे हाँ वो बाहर भी में तो है होता है। शाम के वक्त होता है ज्यादा। जी, लेकिन हमें तो बुक के अकॉर्डिंग चलना है ना। हाँ मजबूरी जी है मैम। जैन, आपने दोबारा जो है वो एंट्री दी है क्लास में, तो अब जो है हम चाहेंगे कि आप हमें एक्सप्लेन कर दें। मैं पहले भी आगे चला गया तो वो एक्सप्लेन करेंगे इस वजह से। अच्छा जी, चलें अब आप एक्सप्लेन करें और हम सब सुनते हैं आपको। जी मैम, ब्लड पेशेंट नहीं किसान होते, जैसा कि उस वीडियो में मैंने देखा है कि रेडियल पल्स होती है ना जो उसके ऊपर, उसे आपने 30 मिनट्स तक चेक करना है, मतलब 30 सेकंड्स तक, 2 या 3 दफा उसे पल्स चेक करेंगे आप। फिर आपने जो आपकी बैटरी पल्स होती है ना उससे थोड़ा 1 इंच ऊपर कर लेंगे आप ना, जो ब्लड प्रेशर मशीन होती है उसे स्फैग्मो मैनोमीटर कहते हैं, उसे आप उधर प्लेस करेंगे और आप अपनी आर्म को फुल रिलैक्स कर देंगे। जब आर्म को फुल रिलैक्स करेंगे तो आप अपना जो स्टेथोस्कोप होगा ना उसका जो डायफ्राम होगा उसे आप रखेंगे अपने रेडियल पल्स पे, आप उस पर 180+ प्रेशर इंजर्ट करेंगे, 180 मतलब 180 करते हैं, तो आप साथ अपने स्टेटोस्कोप में सुनेंगे कि अगर आपकी हार्ट बीट मतलब आवाज़ आपको आ रही है जिस पॉइंट पे आना स्टार्ट हुई है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और एक ऐसा टाइम होगा वो आपके स्टॉप हो जाएगी और फिर वो फिर आपको उसकी साउंड आएगी हार्ट बीट की, तो वो आपका जो वो पॉइंट है वो भी आपने नोट करना है, वो आपका डायसिस्टोलिक प्रेशर होगा। और मैम ठीक से है, क्रॉस आर्म टेक्निक के जरिए चेक करते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है ना, आपने पल्स जब चेक करना है, ठीक है। ये मैम मैंने अच्छा, सुना है। तो उसमें वो एक ब्रेकियल पल्स थी, उसका क्या पैटर्न था? रेडियल पल्स से तो जी आपने अच्छा, और जी दूसरा ये कि उन्होंने वो एक और शॉर्टकट भी तो बताया हुआ था ना, अगर हम तो बीट्स पर मिनट बताते हैं ना, मतलब पल्स जो है वो जी पर मिनट उसका वो रेट होता है, तो 30 सेकंड्स का आप उसको फिर कैसे करोगे? मैम, वो उसमें स्टार्ट में तो आया था रेडियल पल्स पे 30 सेकंड पे ना, आपने पहले 2 या 3 दफा चेक करनी है अपनी पल्स हाँ, दो रेडियल तीन साइड दफा पे। चेक हो गया लेकिन आप जी उसको 1 मिनट पे कैसे करोगे, यही तो पूछ रही हूँ मैं। 1 मिनट पे चेक कैसे करेंगे मैम, जिस हम 30 सेकंड पे चेक करें उसे 1 मिनट पे चेक करें। जैन आपको तो ना कोई अलग से अवार्ड मिलना चाहिए, बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स के अगर चेक कर लिया तो उसको प्लस कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैम थ्री थ्री से कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2 दफा हाँ कर देंगे, जी तो 1 मिनट हाँ हो जी, गया। बिल्कुल ये पूछना चाह रही थी मैं आपसे। अच्छा, अगर 15 सेकंड्स की करेंगे तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? मैम 15 सेकंड्स होने मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे मैं। फिफ्टीन सेकंड हाँ जी मरियम सही कह रही हैं। जैन आपको ना मैं बेसिक मैथ्स की क्लास देती हूँ, ठीक है? मैम मैथ्स नहीं आता है इस वजह से मेडिकल में। मुझे तो लगता है ये भी नहीं आ रहा आपको। मैम वो मैं सिखाया ही नहीं गया, वो आप देख लें कितने रोटेशंस को लेके गए। जी हाँ अच्छा, तो जो मैं सिखा रही हूँ तो वो तो आपका जी अब सीखने का मुझे बिल्कुल भी मुझे आ रहा इरादा है नहीं सब लग कुछ। रहा। हाँ, नहीं, आप आ रहे सर। और कितने मिनट की थी वीडियो? मैम ये आई थिंक 7 मिनट, 7 मिनट 50 सेकंड, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? बच्चों आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है आज का। मैम बच्चों आप लोगों को समझ भी आती है, बस ऐसे ही नो मैम यस मैम कह देते हो, मारती पक्की बात है? यस मैम। आज मैंने कंफर्म किया था 50% जो आपका वाइवा है ना वो मैंने लेना है। शिवा अच्छी बात है, सोच लो। यस मैम, मैम ऐसा नहीं हो सकता है, कौन कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता? मैम, वो आप ले ही नहीं कह रहा सकते है। ना, वो रिसोर्स पर्सन लेता ही। अरे अल्लाह, मैं यही तो कंफर्म कर रही हूँ आप लोगों को कि 50% मैंने लेना है, ओके मैम, ठीक मतलब वाइवा है की मैम। 50% मार्किंग मेरे पास है।
बहुत अच्छे मैम, हमें उम्मीद है आप अच्छा लेंगी। जैन आपने आज ना बेसिक मैथ्स की वजह से अपने जो है 50% वाइवा के मार्क्स में जो है वो डिडक्शन करा ली है थोड़ी सी, तो सही है ना मैम? इस तरह तो नहीं ना मैंने सुनाया, देखो मैम एक कोर्स, मैम एक कोर्स हम लोगों का बेसिक मैथ्स का भी आएगा अभी, अभी आना है आप लोग 6 सेमेस्टर में और बेसिक मैथ्स का भी आएगा मैम? हमें अब पता चला ना कि हमारे हालात इतने खराब हैं। अच्छा ओफो, मुझे लगा शायद सच में आप लोगों का है कोर्स, वैसे हमारा तो था बैचलर्स में। मैम हमारा नहीं आया। मैम हमारी भी स्टैट थी। नहीं मैं स्टैट की नहीं मैं वो तो बात कर रही हूँ, स्टैट तो अलग है ना। नहीं हमने मैथ्स भी पढ़ा था मैम, हम मैथ्स से बचने के लिए आए थे। प्लस माइनस डिवाइड बारी बारी बोला करो बच्चों, मुझे समझ नहीं आता। मैम चले गए? हाँ जी आप बोलो चाहे बच्चे। मैम मैंने कहा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन तो आती है, इतना तो बेसिक आता है। ठीक है चले सही है बच्चों, आप लोग फ्री हो और ये बच्चे जो, अच्छा ये इन बच्चों का क्या जो है वो सिस्टम है जो ये 2-3 मिनट के बाद मीटिंग लीव कर देते हैं? मैंने उनकी एब्सेंट मार्क करनी है। आदिल आपका मैंने नोटिस किया था सेकंड लेक्चर में ऐसे हुआ था, हम जानबूझ के करते हैं ऐसे, मैंने वो सारे रेड किए हुए हैं। मैम नेट को सीरियस नहीं लेते ना मैम, समटाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। सेकेंड लेक्चर में मेरा ख्याल में लाइट चली गई थी, मुझे याद नहीं। अच्छा मैं तो आपको लेक्चर लेता हूं। हां जी मैम, ऑन कैंपस क्लासेस का क्या सीन है? वैक्सीन हो गई आपकी, सेकेंड डोज हो गई? मैम होने वाली है बस। तो आप लोग 6:30 अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो मैं आपकी कैंपस में क्लास ले लिया करूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मैम आप ले लें क्लास ऑन कैंपस। मैम ले लिया करो। ठीक है चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, आप लोग आ जाना। मैम मैम कितनी क्लासेस रह गई हैं इसकी? 5। मैम मैंने लास्ट क्लास में आपको मेल की थी अटेंडेंस वाले से। हाँ जी मैंने देख ली क्लास की। मैम जी बेटे, मैम अगर आपने नेक्स्ट क्लास कैंपस में लेनी हुई तो मंडे को मेल करके आप पहले बता दीजिएगा कि आपने लेनी है कि नहीं। मुझे आप लोग फाइनल करो ना, अगर तो आएंगे क्लास लेने तो फिर ही है ना, मैं ऐसे वहां 6:30 तक बैठी रहूं। मैम आएंगे आप ले लेना। ऑनलाइन भी होगी कि सिर्फ ऑन कैंपस होगी? फिर अगर तो सारे आ जाएंगे तो फिर जो है वो ऑन कैंपस ही हो जाएगी। मैम सारे नहीं ना आ सकते, आप ऑनलाइन भी ले। मैम सारे नहीं आ जिनके अभी सिर्फ पहले ले वो क्या करेंगे? एक एक बच्चा बोले एक टाइम पे। मैम सारे नहीं आएंगे हमारी तो, हम कोई भी अभी ज्यादा क्लास बच्चे आ ही नहीं रहे हैं ऑन कैंपस लेने, ज्यादा ऑनलाइन ले रहे हैं, तो फिर हम यानी 6:30 बजे सिर्फ एक क्लास के लिए आएंगे। हाँ ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम आएगा तो आप ऑनलाइन ही ले लो। 5 क्लासेस हैं हमारी इस ना। ठीक है ऑनलाइन ही ले लूंगी फिर मैं। यस मैम अभी हम ना आप लोग बस ये देखो कि वो हो जाए आपका रोटेशंस का हो जाए, ताकि आपको एक दफा जो है ना वो थोड़ा एक्सपोजर भी हो जाए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैम वाइवा कब तक होगा? आप लोगों के जब मिड्स हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ले लूंगी मैं वाइवा, क्योंकि लॉन्ग मैम अगर रोटेशंस हो गए तो वो भी तो 15 जुलाई के बाद स्टार्ट होंगी ना। हां जी हां जी सही है मैम। और मैम इससे भी जो लॉग बुक है उसका क्या करना है, उसका स्टार्ट करते हैं हम कर? हाँ जी आप उस पर काम स्टार्ट करो, मैंने तो आपको होमवर्क भी बताया था, साथ साथ आपके उसमें जो है डेली का मैंने उसमें मेंशन हुआ है वो पहले स्किन का था कुछ, उसमें जो है वो आपने मेंशन करनी थी उसकी डायग्राम्स, ओ सॉरी डेफिनेशंस,
और उसके बाद जो है वो एक और भी आई थी, मैंने आपको उसका भी एक्सप्लेन किया था, वो हमने बल्कि क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था, कॉजेज थी जो पल्स रेट ज़्यादा होने की और कम होने की जो थी, वो वाली भी थी एक। ओके मैम फिर जाएं। हाँ जी चले बच्चों, ठीक है। अगर किसी का कोई, हाँ जी अटेंडेंस जूम से लेंगी फिर आप? हाँ जी, वो मैं लिस्ट आपकी जो है वो डाउनलोड कर लूंगी, ठीक है। आज तो नहीं किसी बच्चे का इंटरनेट का इशू हुआ, दो मिनट तीन मिनट वाला बच्चा? नो मैम। मैम मेरा कौन है ये? अज़का, ठीक है। मेरी लाइट अब आई है। ओके बेटे। मैम मैम मैंने दो तीन दफा डिस्कनेक्ट किया था, वो देख लीजिए। मैम आप अटेंडेंस साथ साथ पोर्टल पे अपलोड कर दें ताकि आइडिया हो जाए कि हमारे क्या चल रही है, किस तरह लग रही है और क्या रह गई है। बेटा जी ऐसा है कि मुझे जो है ना अभी तक एलएमएस मिला नहीं है, तो होपफुली मैम एलएमएस में स्टूडेंट जो अटेंडेंस पोर्टल होता है एलएमएस के लिए लगेगी। एलएमएस पहले मुझे मिलेगा, उसके बाद आगे पोर्टल वगैरह वो सारे मिलेंगे ना। ओके मैम, तो वो मेरे पास आप लोगों का रिकॉर्ड है तो वो मैं उसमें जो है मार्क कर दूंगी, ठीक है। और कोई? जी मैम, जी मैम मैंने भी लास्ट में ज्वाइन किया बिकॉज़ लाइट नहीं थी आ रही, लाइट पे जैसे लाइट नहीं था। मैम मैं अपना तो ज्वाइन कर दूंगी, क्या कोई ये मसला आता है कि सिर्फ दो मिनट वाला है? बच्चे आइजा आप क्या कह रहे हो, मुझे आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं। हमने फौरन ही रीज्वाइन कर लेते हैं तो वो अगर इस तरह हो भी के बाद ये तो साथ ही हम लोग रीज्वाइन करते हैं। नहीं वो फिर ये होता है ना कि उसका जो है वो टाइम एंड पे जो होता है ना, मतलब लास्ट वाला जो ड्यूरेशन होता है मेरा ख्याल है वो आता है उसका। बच्चे कम क्यों आए हैं? 84 किसका माइक खुला हुआ है? हाँ जी फिजा। मैम मैंने लास्ट पे ज्वाइन किया था बिकॉज लाइट नहीं थी, उसके वजह से यूपीएस नहीं था, वाईफाई नहीं था, सॉरी। अच्छा आज इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? मैम 97 थे, लीव कर गए। 97 तो मुझे नहीं दिखे, 84 दिखे। हाँ जब आप बोला लीव कर सकते हैं तो फिर सारे बच्चे लीव करिए। सही, चलो ठीक है बच्चों, ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। ओके मैम अल्लाह हाफिज़। ओके मैम अल्लाह हाफिज़।